छोटी चीजों में वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह है कि हम ये भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं। यदि आप 100 लोगों को खिला नहीं सकते तो एक को ही खिलाइए। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। जो आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सफलता पहले से ही की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। चीजें इसी तरह काम करती है। सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है, और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। हम तीन तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान तरीका है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए तीन सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण है। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को सेक्स नहीं मिलता वो हमेशा सेक्स की बात करता है। जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं है वो हमेशा धन संपत्ति की ही बात करेगा। अर्थात जिस व्यक्ति को जो चीज नहीं मिलती वो हमेशा उसी की बात करता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।